बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे राउंड का दंगल जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वोटिंग को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़े चेहरों में रविंद्र रैना ने सुबह सुबह वोट डाला। रविंद्र रैना नौशेरा से चुनावी मैदान में है और उसके अलावा सबकी नजर जो है गांदरबल और बडगाम सीट पर है। इन दोनों ही जगह से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की टक्कर एक बार फिर एक अलगाववादी नेता सरजान बरकाती से है। सरजान अभी जेल में है, उनकी बेटी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद से हार गए थे। आज जिन 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार पीडीपी के हैं। कुल 26 उम्मीदवार पीडीपी के मैदान में हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20, बीजेपी के 17 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों के अलावा 99 निर्दलीय कैंडिडेट मुकाबले में हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। आपको ये भी बताते चले कि पहले चरण में करीब 61% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। किश्तवाड़ जैसे इलाके में रिकॉर्ड 77% वोटिंग हुई थी। इंदरवाल में टर्नआउट सबसे ज्यादा 80% रहा था। ऐसे में आज भी ये उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के रियासी की, बडगाम की आप तस्वीर देखिए, श्रीनगर की तस्वीर, माता वैष्णो देवी की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और नौशेरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हम, उसमें भी आप देखिए कि तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है आज पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तो आज कई बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। अलग अलग जगहों से तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जिलों की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार हैं। ईवीएम में आज उमर और रविंद्र रैना जैसे बड़े नेताओं की जो किस्मत है आज कैद हो जाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। दूसरा चरण है, 26 सीटें हैं और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कहां कहां पर जो है वोटिंग हो रही है। आप देखिए बड़गाम, बीरवा, ईदगाह, ये वो लोकेशन है जहां पर अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आज लोग दिख रहे हैं। बुधल, नौशेरा, सुरनकोट, मेंढर, राजौरी और साथ ही पूंछ हवेली, ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जहां पर दूसरे चरण के लिए जो है 26 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। भारतीय लोकतंत्र हमारे इस जमहूरियत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग के रजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में आज वोटिंग है। बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता असेंबली के इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहां पर अलायंस गठबंधन जो है काम करेगी। और उधर वोट डालने से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू दौरे पर हैं जहां वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 2:25 का वो समय बताया जा रहा है जब राहुल गांधी श्रीनगर के लिए रवाना होंगे जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को सोपोर में भी एक चुनावी सभा में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सोपोर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इरशाद रसूल को खड़ा किया जबकि कांग्रेस ने हाजी अब्दुल रशीद डार को यहां से उतारा है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है लेकिन 6 सीटों पर तालमेल नहीं होने से दोनों के बीच दोस्ताना मुकाबला हो रहा है।
और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के सोनीपत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 22 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को बुलाया गया है। बताया ये जा रहा है कि रोहतक की 9, सोनीपत की 9 और पानीपत की 4 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली की जो है सीधा असर देखने को मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया था और ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का दूसरा हरियाणा दौरा होगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है बताया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेगा रैली करते हुए दिखेंगे। 12 बजे का समय होगा जब वो पहुंचेंगे। 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी आज इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली करते हुए दिखेंगे। दोपहर 12 बजे का वो समय होगा और 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। हरियाणा में एक बार फिर चुनावी माहौल जो है गर्म हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोनीपत की धरती से अपनी बात रखेंगे। लेकिन पीएम मोदी का दौरा सिर्फ चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी का हरियाणा से एक गहरा रिश्ता है जिसे वह हमेशा याद करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे हरियाणा ने पीएम मोदी को अपनेपन से भर दिया और किस तरह उन्होंने यहां की मिट्टी में राजनीति के सबक सीखे। देखिए रिपोर्ट। राम राम भाई सारा ने हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी सोनीपत का रुख करेंगे। महेंद्रगढ़ में एक चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपने दूसरे घर यानी हरियाणा की यादें ताज़ा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें आज भी याद है वो दिन जब वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूरे राज्य का दौरा करते थे। मैं अगर हरियाणा में आऊं तो पुरानी यादें ताजा न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहां भी वहां भी बहुत सारे परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, पुरानी पुरानी यादें भी, क्योंकि हरियाणा तो बरसों तक एक प्रकार से मेरा घर ही बन गया था। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मुझे राजनीति की बहुत सारी शिक्षा हरियाणा और पंजाब से मिली और ये मेरा सौभाग्य रहा, इस मिट्टी ने भी मुझे गढ़ा है। साल 1995 में पीएम मोदी हरियाणा में राज्य प्रभारी थे। 24 साल में पीएम मोदी राजनीतिक सफर में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें आज भी याद है नरनौल की सूरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाइयाँ, जिसने पीएम मोदी के दिल में हमेशा के लिए एक जगह बना ली, जो पीएम मोदी और हरियाणा के रिश्ते का एक प्रमाण है। वो 1995 का शायद कालखंड होगा जब मैं प्रभारी के रूप में यहाँ आया था। आमतौर पर प्रभारी आते हैं दौरा करने के लिए, मैं हम मुकाब करने आ गया था, यहीं पर रहता था। और उस समय हमारे मनोहर लाल जी संगठन का काम देखते थे, उस समय हमारे रमेश जोशी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो रमेश जी, मैं, मनोहर लाल जी हरियाणा की खूब खाक छानी थी। मैंने यहां माताओं बहनों के हाथ का खाना भी खूब खाया है और हमारे नारनौल के सुरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाई। पीएम मोदी एक बार फिर अपने इस घर के दौरे के लिए तैयार हैं, जहां पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा का कर्ज चुकाएंगे और हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क से एक खबर है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने चीन पर सीमा समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड के समय चीन ने एलएसी पर सेना भेजी, जिसकी वजह से बॉर्डर पर एक जगह दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई,
झड़प के दौरान दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। विदेश मंत्री ने कहा कि गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हुए हैं। We have a difficult history with China. A history which included a conflict in 1962. Despite these very explicit agreements, we saw that the Chinese, we were all in the middle of COVID at that time, if you remember, moved large number of forces in violation of these agreements to the line of actual control. And this once troops, and we responded in kind, and once troops were deployed very close up, which is very dangerous, it was likely a mishap would happen, and it did happen. So there was a clash, and a number of troops died on either side. And that has since, in a sense, overshadowed the relationship. वाराणसी में ज्ञानव्यापी के बाकी बचे हिस्से की एसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर के सुनवाई हुई और उसमें मंदिर पक्ष की बहस पूरी हो गई, जबकि मस्जिद पक्ष की दलीलें सुनी जा रही हैं। आपको बता दें कि इस केस में मंदिर पक्ष की ओर से खुदाई के जरिए ज्ञानव्यापी के बाकी बचे हिस्से की एसआई सर्वे कराने और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। तो एसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई, बाकी बचे हिस्सों का सर्वे कराने की जो मांग है वो की जा रही है और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम जो आपको दूसरी दिखा रहे हैं, दीवार पर देखे त्रिशूल के निशान मिले और कई ऐसे निशान मिले हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो बाकी बचे हिस्से हैं उसका भी सर्वे कराया जाए और जो पूरा परिसर है वो हिंदुओं को सौंपा जाए। तो वाराणसी का ज्ञानव्यापी केस है ये, उसी को लेकर के आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है, जहां पर बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं सर्वे कराने की मांग की जा रही है, साथ ही जो पूरा परिसर है उसको हिंदुओं को सौंपने की मांग की जा रही है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची तब की तस्वीर और दीवार पर त्रिशूल के निशान भी मिले हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होगी और इस सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनी जाएगी। इस अर्जी पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है। मुस्लिम पक्ष ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को चुनौती दी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है वो सुनी जाएगी, तो हिंदू पक्ष को जो है जवाब दाखिल करना है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक साथ सभी केस की सुनवाई को चुनौती। तो जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास लंबे समय से बीमार चल रही थी। 6 बार विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेताओं ने शोक जताया है। तो आज सुबह ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। 86 साल की उम्र में जीजी का निधन हो गया, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही सूर्यकांता व्यास हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं रही, पुराने जोधपुर से 3 बार जो है ये एमएलए रही हैं। जीजी कह करके इनको हर कोई बुलाता था और राजस्थान की सबसे उम्रदराज एमएलए ये रही है। तो ये बड़ी जानकारी, 6 बार से ये विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्यकांता व्यास रही हैं, जिनका निधन हो गया। और जैसे ये खबर सामने आई तो सीएम भजनलाल और तमाम बड़े कद्दावर नेता ने जो है शोक व्यक्त किया है। तस्वीर आप देखिए, मुलाकात की ये तस्वीर है, जब भी वो बड़े नेताओं से मिलती थी, कद्दावर नेताओं से मिलती थी, तो चेहरे पर एक मुस्कान उनके नजर आती थी।
और सुरसागर से विधायक रही बीजेपी की दिग्गज नेता सूर्यकांता व्यास के निधन पर सीएम भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जीजी के साथ तस्वीर पोस्ट करके ये लिखा है कि सुरसागर विधानसभा से पूर्व विधायक भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सूर्यकांता व्यास जीजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। कुछ दिन पूर्व ही उनसे भेंट हुई थी, जहां उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्रति उनका अपार स्नेह और वात्सल्य सदैव बना रहे। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो आप देखिए, सीएम भजनलाल ने जो है एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, उन्होंने शोक जताया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं, सीएम ने यह लिखा है। तो पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास, जिनको जीजी करके लोग पुकारते थे, आज सुबह ही उनका निधन हो गया। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जिसको भी पता चला, हर कोई जो है शोक जताते हुए दिख रहा है। सीएम भजनलाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और तस्वीर साझा की है। आप देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल और आपको सूर्यकांता व्यास दिख रही हैं। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर, जब सीएम भजनलाल उनसे मिले थे, कंधे पर हाथ रख करके देखिए कैसे दोनों के चेहरे पर मुस्कान जो है देखने को मिली थी। और आज वो हमारे बीच नहीं रही, तो सीएम भजनलाल ने जो है एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दुख जताया है। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी एक्शन मोड में है। बाड़मेर शहर में 12 घंटे लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर की अगुवाई में अधिकारियों ने सफाई अभियान का जिम्मा संभाला हुआ है। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक विशेष सफाई अभियान चलेगा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको जो है अधिकारी आपको दिख रहे हैं, जो कि जिम्मा संभालते हुए दिख रहे हैं। बाड़मेर कलेक्टर हैं टीना डाबी, जो कि फुल ऑन एक्शन मोड में दिख रही हैं। बाड़मेर शहर में 12 घंटे से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है और कलेक्टर की अगुवाई में ही अधिकारियों ने सफाई अभियान का जिम्मा संभाला हुआ है। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक विशेष अभियान जो है वो चलेगा। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं टीना डाबी को, जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंची, तो वहां पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देती हुई देखिए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर उन्हीं के साथ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, जो कि सफाई अभियान चलाते हुए दिख रहे हैं। और टीना डाबी फुल ऑन एक्शन मोड में है। बाड़मेर की ये तस्वीर है, दो तस्वीरें आप देखिए। पहले तस्वीर में वो अधिकारियों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, दूसरी तस्वीर में खुद जो है निर्देश देती हुई दिख रही हैं और साथ ही साथ किस तरीके से सफाई चल रहा है उसका भी जायजा लेती हुई वो दिखी है। एनसीईआरटी के सिलेबस पर अब बागेश्वर महाराज ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम चिट्ठी आई है जोड़ा गया है, जिसमें एक चिट्ठी का फोटो भी लगाया गया है। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर या अन्य नाम भी हो सकते थे, अहमद ही क्यों रखा गया? ये उनके तरफ से सवाल किया गया है। तो एनसीईआरटी सिलेबस पर बागेश्वर महाराज का ये सवाल है, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला ये पाठ्यक्रम है, उनके तरफ से कहा गया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए। देश का दुर्भाग्य है, चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी का हो सकता था, आकाश भी का हो सकता था, अविनाश भी का हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था, अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जिले भर में एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारियों ने जो है निरीक्षण किया है। सिमलवाड़ा ब्लॉक में 2 स्कूल बंद मिले हैं और रापरावी मालड़फला और रापरावी डामोरफला लिखी बड़ी जो है बंद मिला। साथ ही आपको बताया कि सिमलवाड़ा ब्लॉक में कई स्कूलों में शिक्षक और शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिली है। निरीक्षण अधिकारी अब कलेक्टर अंकित सिंह को रिपोर्ट भेजेंगे। कलेक्टर की ओर से जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर
सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया है। जिले भर में एसडीएम, तहसीलदार और साथ ही विकास अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और कई स्कूल जो कि बंद मिले हैं, अब जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी बड़े अधिकारी को। सिमलवाड़ा ब्लॉक में कई स्कूलों में शिक्षक और शिक्षिकाएं भी अनुपस्थित मिले हैं। निरीक्षण अधिकारी अब कलेक्टर अंकित सिंह को यह रिपोर्ट भेजेंगे। कलेक्टर की ओर से जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो खाने पीने की चीजों में गंदगी परोसने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। कहीं थूक लगी रोटी तो कहीं यूरिन मिला जूस मिल रहा है। अब इसी मिलावटी मानसिकता पर चोट करने के लिए योगी सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है, अगर खाने की चीजों में मिलावट करोगे, बिना नाम लगाए दुकान चलाओगे तो शटर डाउन तय है। देखिए अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा तो भी मिलेगा। समाज का गुस्सा आपने देखा, इसलिए यहाँ लोनी में किसी की औकात नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो अब उसको माने योगी जी की सरकार है और अभी हम जिंदे हैं। उत्तर प्रदेश में गंदगी के जितने विक्रेता हैं, अब उनकी दुकानों के शटर डाउन होने की शुरुआत हो गई है। योगी सरकार ने रोटी में थूकने वालों और जूस में यूरिन मिलाने वालों के खिलाफ कड़ा आदेश जारी कर दिया है। आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा तो ही मिलेगा। आज से चार दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यहाँ जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा, यहाँ ना थोक वाली रोटी मिलेगी ना हापुड़ वाला जूस मिलेगा। योगी ने जब ये बयान दिया तो लगा कि उन्होंने ये बात सिर्फ गोरखपुर के उस रेस्टोरेंट के लिए कही है जिसका वो उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन आज ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह मुख्यमंत्री योगी भी बड़े फैसलों के संकेत पहले ही दे रहे हैं। योगी ने कहा खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगे, ढाबों और रेस्टोरेंट का वेरिफिकेशन हो, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर हों और ढाबा मालिक साफ सफाई सुनिश्चित करें। गंदगी विक्रेताओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑर्डर इसलिए जारी हुआ है क्योंकि यूपी में ऐसी कई घिनौनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कहीं कोई रोटी में थूकते हुए दिखाई दिया, कहीं जूस में यूरिन, कहीं जूस में थूकने वाला वीडियो सामने आया। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए। आखिर जो ग्राहक है उसका अधिकार कुछ है कि नहीं है? जनता का अधिकार है, हमारे लिए जनता पहले महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। आखिर कोई चीज ले गया है, उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन? वो पुलिस में कैसे शिकायत करेगा जाके कि किसके यहाँ से क्या लाया जिसकी वजह से खाने से मृत्यु हो गई? अगर वो पूरी तरीके से जानकारी रहेगी कि कौन व्यक्ति विक्रेता कौन है, उसके यहाँ कर्मचारी कौन है, वो पूरी जानकारी के साथ पुलिस में FIR कराएगा। गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, साधारण ठेला खुमचा वाले उनको बेचारों को परेशान किया जाएगा, उनसे जो है पैसे वसूले जाएंगे, उनके उनको 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 प्रताड़ित करके उससे पैसे बांधेंगे, महीना बांधेंगे, ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये तो और बुरा हाल है। ऐसी कई घिनौनी खबरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जूस, फल और रोटी जैसे खाने पीने की चीजों में गंदगी का मिलना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाना बेहद विभत्स है, यानी अगर कोई दोबारा ऐसी गलती करेगा तो उसकी दुकान पर शटर और दुकानदार जेल के अंदर, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।